आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सरकारी योजनाओं से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पर डेली दो मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड किए जाते हैं, एक सुबह और एक शाम को, वो भी टॉपिक वाइज। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो इसमें हम महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं को कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक हाल ही में कौन से मंत्रालय ने जारी की है? तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी CSIR, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक हाल ही में जिस मंत्रालय ने जारी किया उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये 2012 में जो नीति आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2012 जो आई थी, उसकी जगह लेगी। इसका मेन फोकस क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना भारत में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा बढ़ावा देना और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी को उसमें शामिल करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में कब से लागू की जाएगी? तो ऑप्शन ए है जून 2021, ऑप्शन बी जून 2020 और ऑप्शन सी जुलाई 2020, ऑप्शन डी जुलाई 2021। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू की जाएगी जून 2020 से, और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो इंटरनल इमिग्रेंट्स है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो प्रवास करते हैं, उन लोगों को कहीं पे भी PDS का जो अनाज है वो कहीं पे भी मिल सके, यानी कि उनकी खाद्य सुरक्षा को निश्चित किया जाए। तो इसका मेन उद्देश्य यही है। तो जून 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ऑप्शन ए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, ऑप्शन बी खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय, ऑप्शन सी मनरेगा के माध्यम से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है वह खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यम से लागू की जाएगी। ये भी पूछा जाता है आजकल, कौन सी योजना किसने चालू की या कौन सा विभाग या मंत्रालय उसे क्रियान्वित करेगा, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मिशन पूर्वोदय क्या है? तो ऑप्शन ए भारत के पूर्वी भाग के विकास के लिए एक योजना, ऑप्शन बी इसरो का एक मिशन, ऑप्शन सी एक पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित योजना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मिशन पूर्वोदय है यह भारत के पूर्वी भाग के विकास के लिए एक योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य स्टील हब का विकास करना है पूर्वी क्षेत्र में, ताकि वहाँ के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दे सके। तो इसका मेन उद्देश्य यही है, और अगर ये स्टील हब अच्छे से हम स्थापित कर पाते हैं तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा उद्देश्य है उसे हम पूरा करने में सहयोग मिलेगा। अगला प्रश्न है, मिशन पूर्वोदय कौन से मंत्रालय की पहल है, यानी कि जो मिशन पूर्वोदय है किस मंत्रालय की मुख्य पहल या योजना है? तो ऑप्शन ए है इस्पात मंत्रालय, ऑप्शन बी पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। तो मिशन पूर्वोदय जो है वो इस्पात मंत्रालय की पहल है, यानी इस्पात मंत्रालय की प्रमुख योजना है। अगला प्रश्न है, भाषा संगम योजना किससे संबंधित है? तो भाषा संगम योजना जो है किससे संबंधित है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए हिंदी भाषा के विकास से संबंधित योजना, ऑप्शन बी स्कूली बच्चों को भारतीय भाषाओं को सीखने से संबंधित योजना और ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची की किसी एक भाषा से संबंधित योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी योजनाएं जो एजुकेशन से रिलेटेड हों, पर्यावरण से संबंधित हों या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित हों, ये तीनों ही सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पर सरकार का हमेशा थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है, तो यहीं से प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो इन सेक्टर की योजनाओं को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये भाषा संगम योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है स्कूली बच्चों को भारतीय भाषाओं को सीखने से संबंधित, यानी कि जो भाषा सारी भारतीय भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं दी हैं उनसे संबंधित बच्चों को सिखाना है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल का प्रमुख हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भाषा संगम योजना किस मंत्रालय की योजना है? तो ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाषा संगम योजना जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की प्रमुख योजना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट की कौन सी धारा में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए ये प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए धारा 29, ऑप्शन डी धारा 30, ऑप्शन सी धारा 31 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आरटीई एक्ट जो 2009 वाला है उसकी धारा 29 में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए ये प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धारा 29। अगला प्रश्न, जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नया मंत्रालय गठित किया गया है तो आएगा ही, और जल जल संरक्षण पे बहुत ज़्यादा जोर है क्योंकि जल एक प्रमुख चुनौती है विश्व के लिए इस टाइम में, तो यहाँ से प्रश्न बन ही सकता है। तो जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए जून 2019, ऑप्शन बी जून 2018 और ऑप्शन सी जुलाई 2018 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जल शक्ति मंत्रालय है उसका गठन जून 2019 को किया गया था। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत कब तक सभी भारतीयों को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पूर्ति का लक्ष्य रखा गया है? यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसे सही कर लें आप। ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2026 और ऑप्शन डी 2027। तो सभी भारतीयों को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पूर्ति का लक्ष्य रखा है वो 2024 तक है, यानी कि सभी भारतीयों को 2024 तक सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन जो है ये 2019-20 के बजट में इस योजना को घोषणा की गई थी, जो 256 जिलों में फैले हुए 1592 ब्लॉकों की पहचान की गई है जहाँ पे जल प्रबंधन को प्राप्त करना है, क्योंकि एक बड़ी प्रमुख समस्या है भारत में, क्योंकि विश्व की 17.7% आबादी भारत में रहती है जबकि जल उपलब्धता मात्र 4% ही है, तो वाटर मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अटल भूजल योजना कितने राज्यों के लिए प्रारंभ की गई है? तो अटल भूजल योजना कितने राज्यों के लिए प्रारंभ की गई है तो देखते हैं, ऑप्शन ए 7 राज्यों के लिए, ऑप्शन बी 8 राज्यों के लिए, ऑप्शन सी 9 राज्यों के लिए, ऑप्शन डी 10 राज्यों के लिए। तो अटल भूजल योजना है यह 7 राज्यों के लिए प्रारंभ की गई है, इसमें प्रमुख हैं गुजरात, दूसरा हरियाणा, तीसरा कर्नाटक, चौथा मध्य प्रदेश, पाँचवा महाराष्ट्र, छठवां राजस्थान और सातवां यूपी। इसमें ये भी प्रश्न बन सकता है कि अटल भूजल योजना यूपी में भी लागू की गई है, तो ये सही है, यूपी में भी इसे क्रियान्वित किया जाएगा। और इसके बजट का प्रावधान क्या है? इसमें 50% जो बजट है वो वर्ल्ड बैंक से मिलेगा और 50% नियमित बजट यानी केंद्र सरकार की तरफ से खर्च किया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो जो सस्टेनेबल पहल डेवलपमेंट सेल पहल है जो शुरू की गई है, तो ऑप्शन ए है कोल मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी पावर मिनिस्ट्री और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल जो है ये कोयला मंत्रालय की प्रमुख पहल है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि पर्यावरण अनुकूल कोयला खनन को प्रोत्साहन देना, कोयले से जुड़ी योजनाओं और मॉनिटरिंग के लिए इस योजना को शुरू किया गया, यानी कि पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुँचे कोयले खनन के दौरान, इसका यही मुख्य उद्देश्य है, कोल मिनिस्ट्री ने इसे शुरू किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन ए 4 नवंबर 2016, ऑप्शन बी 4 नवंबर 2018, ऑप्शन सी 4 नवंबर 2019 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत 4 नवंबर 2016 को की गई थी। इसमें प्रावधान जो है इसका मतलब इस कैसे क्रियान्वित होती है, तो इसमें यह है, प्रत्येक माह की 9वीं तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही की अवधि के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है, मातृत्व मृत्यु दर को कैसे कम करना ये पूछा जा सकता है, क्योंकि मातृत्व मृत्यु दर को कम करने पर सरकार का बहुत फोकस है, तो ये पूछने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है, नेशनल पेंशन सिस्टम की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2016, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2004, ऑप्शन सी फरवरी 2004, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल पेंशन सिस्टम की शुरुआत जब की गई थी तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, 1 जनवरी 2004 को।
और इसका नियमन कौन करता है? इसका नियमन PFRDA द्वारा किया जाता है और ये एक पेंशन सह निवेश योजना है। इसमें दो प्रमुख श्रेणियाँ, एक सरकारी और निजी। इसमें 18 से 60 वर्ष का कोई भी निवासी या गैर निवासी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन फास्टैग स्कीम पूरे देश में कब से लागू की जाएगी? तो ऑप्शन ए 15 दिसंबर 2019, ऑप्शन बी 1 दिसंबर 2019, ऑप्शन सी 1 दिसंबर 2018, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वन नेशन वन फास्टैग स्कीम ये अभी अभी पूर्ण लागू हुई थी, तो ये पूछने की पूरी संभावना है। उसकी डेट में चेंज किया गया था, तो सवाल बन ही सकता है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए 15 दिसंबर 2019 को। पहले इसकी डेट थी 1 दिसंबर 2019 को पूरे देश में लागू करना, लेकिन इसको 15 दिन बढ़ा के 15 दिसंबर 2019 कर दिया गया था। तो ये 15 दिसंबर 2019 से पूरे देश में लागू हो गई और यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक राष्ट्रीय फास्टैग योजना है। 15 दिसंबर 2019 से टोल टैक्स संग्रह केवल फास्टैग के जरिए अनिवार्य कर दिया गया है। फास्टैग एक स्टिकर होता है जो वाहनों की विंड स्क्रीन पर लगा होता है और यह टैक्स बैंक खाते या अन्य भुगतान माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे ही वाहन टोल टैक्स प्लाजा से गुजरता है तो स्वतः ही रकम खाते से कट जाती है और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर नोटिफिकेशन चला जाता है। तो ये हो गए राष्ट्रीय योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमने हमने पूरे मॉडल टेस्ट पेपर में डिस्कस किए। तो एक वीडियो और आएगा राज्य सरकारी योजनाओं पर, तो कंप्लीट हो जाएंगी। तो या एक प्रश्न तो आप यहाँ से मीट कर ही सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।